It's hard to breathe, but that's alright. Hush. तो दोस्तों आज हम बात करने वाले लोडिंग स्कोप इफेक्ट के बारे में अपनी फिल्मों के अंदर, तो बने ही मजा वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं नाम आकाश, आप देख रहे हैं कॉस्मिक वीडियो। चल तो चलिए इस शुरुआत करते हैं तरीके से। तो दोस्तों यहाँ पर आज की फिल्मों की होम स्क्रीन पर तो सिंपल इंपोर्ट कर लेते अपनी वीडियो। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने वीडियो इंपोर्ट कर ली है, तो देख लेते हैं किस तरीके से अपनी जो वीडियो है। एक बार मैं म्यूट कर देता हूँ उसको, तो अब देखते हैं किस तरीके से अपनी वीडियो है। तो भाई कुछ इस तरीके से वीडियो है, ठीक है। तो अभी अपने को सिंपली करना क्या है, यहाँ पर अपने को थोड़ी सी मार्किंग करनी है, ठीक है। मार्किंग क्या करनी है, अपने को देख लेना है कि अपना स्कोप जो है फुल स्क्रीन पर जब आएगा ना, वहाँ पर मार्क लगा देना है। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर मेरा स्कोप जो है फुल स्क्रीन पर आ रहा है, ठीक है, पूरा का पूरा बढ़िया वाला। तो आप देख लेना फ्रेम बाय फ्रेम जाके, जहाँ पर भी आपका स्कोप फुल स्क्रीन पर है वहाँ पर आपको मार्क लगा देना है। तो यहाँ पर मैं एक मार्क लगा देता हूँ इस मार्क टूल की मदद से, ये वाला। नहीं तो आप कीबोर्ड में एम प्रेस करोगे तो भी मार्क जो है वो लग जाएगा। इसके बाद आपको सिंपली करना क्या है, जहाँ पर आपकी बुलेट फायर हो वहाँ पर आपको एक मार्क लगाना है। तो यहाँ पर मेरी बुलेट फायर हो रही है, इस फ्रेम से एक फ्रेम आगे मार्क लगाना है, मतलब पीछे, सॉरी थोड़ा पीछे मार्क लगाना है, क्योंकि अपना जो है वो इफेक्ट हट जाना चाहिए ना। तो मार्क मैंने दोनों साइड लगा दिया। तो इसके बाद आपको सिंपली करना क्या है, अपना इफेक्ट पैक जो है वो, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वैसे इफेक्ट पैक नहीं है, सिर्फ ये सिंगल वीडियो है, ठीक है। तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से जाकर आपको डाउनलोड कर लेनी है। इसके बाद आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ पर आपको मार्क के बीच में अपनी वीडियो जो है वो रखनी है, ठीक है। बट अगर आपको ध्यान रखना है कि अगर आपकी वीडियो में ज़्यादा लेंथी आ रही है, मतलब ये स्कोप वाली वीडियो, तो आपको सिंपली यहाँ पर स्पीड एंड ड्यूरेशन में जाके इसकी स्पीड को जो है वो ज़्यादा कर देना है। ज़्यादा करोगे तो वीडियो छोटी हो जाएगी, और अगर कम करोगे तो वीडियो जो है वो लंबी हो जाएगी। जो भी आपका मन करे आप वैसे कर सकते हो, बट मैं ये खेल नहीं करूँगा। आपको सिंपली मैं करूँगा क्या, यहाँ पर मार्क पर क्लिक करूँगा और अपनी वीडियो जो है वहाँ से कट कर दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कट कर दी वीडियो, ठीक है। इसी दौरान मैं दूसरे वाले मार्क पर क्लिक करूँगा और यहाँ से भी मैं मेरी जो है वीडियो कट कर दूँगा। मेन वीडियो कट हो गई, सॉरी। तो ये वाली वीडियो सेलेक्ट करता हूँ और इसको मैं कट कर लेता हूँ और यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। डिलीट करने के बाद आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ पर आपको जो है अपनी क्या बोलते हैं स्कोप वाली वीडियो पर डबल क्लिक करना है। देन इसके बाद आपको यहाँ पर वीडियो में जाना है, और वीडियो में जाने के बाद इसकी कॉम्पोजिशन में जाके ब्लेंडिंग मोड कर देना है आपको यहाँ पर स्क्रीन, ठीक है। स्क्रीन करोगे तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। देन इसके बाद आपको अपनी मेन वीडियो जो है वो लॉक कर देनी है, और उसके बाद आपको जो है यहाँ पर एनिमेशन पे जाना है। एनिमेशन में जाके यहाँ पर कस्टम एनिमेशन पे जाके आपको एक की फ्रेम ऐड कर देना है, ठीक है। की फ्रेम ऐड करने के बाद आपको सिंपली करना क्या है, इसको एक बार रीपोजिशन करना है अपने स्कोप के हिसाब से। जैसा आपका स्कोप है ना, वैसे ही आपको इसको रीपोजिशन करना है। काफ़ी ज़्यादा आसान है, जैसे मैं कर रहा हूँ सेम से आपको वैसे ही करना है, ठीक है। तो ये एक बार अपन कर लेते हैं। तो दोस्तों ये हो चुका है। तो इसके बाद आपको सिंपली करना क्या है, यहाँ पर आपको जो है फ्रेम बाय फ्रेम आगे जाना है, ठीक है। तो अभी मैं फ्रेम बाय फ्रेम आगे जाता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हो, अब यहाँ पर अपना जो है स्कोप थोड़ा जूम हो रहा है, तो यहाँ पर अपन एक और जो है वो की फ्रेम ऐड करेंगे, ठीक है। तो की फ्रेम एक और ऐड करेंगे और इसको थोड़ा सा अपन जो है दोबारा से रीपोजिशन करेंगे। तो इसी तरीके से आपको जो है फ्रेम बाय फ्रेम आगे जाना है और रीपोजिशन करते जाना है, ठीक है। तो अभी जो है ज़्यादा 3 से 4 की फ्रेम लगेंगे आपके, मेरे तो इतने ही लगे, ठीक है, आपका पता नहीं। तो मेरे 3 से 4 की फ्रेम लगेंगे और बस मेरा काम हो जाएगा। तो मैं एक बार इसको फटाफट से आपको करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि देख सकते हो मेरे 4 की फ्रेम लगे हैं और मेरा जो है काम वो कंप्लीट हो चुका है। तो इसी तरीके से अपनी जो वीडियो बन चुकी है, तो एक बार इसको अपन जो है देख लेते हैं कि भाई आगे भी कोई स्कोप जूम वगैरह हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो आगे जो है वो कोई भी स्कोप जूम वगैरह नहीं हो रहा है, एक ही पोजिशन पर स्कोप है। तो सिंपली अब अपन चला के देख लेते हैं किस तरीके से अपनी जो वीडियो बनी है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से अपनी वीडियो बनी है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर, शेयर कर, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को देखने के लिए। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, मिलते हैं अगली वीडियो में।